हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे सेवन क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर नाइन जिसका नाम है लाइफ इन द डेजर्ट्स डेजर्ट मतलब रेगिस्तान तो डेजर्ट होता क्या है इट इज़ एन एरिड रीजन एरिड मतलब जहां पर बारिश बहुत कम होती हो बिल्कुल ना के बराबर कैरेक्टराइज बाई एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स डेजर्ट का टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा हाई होगा जिनको हम हॉट डेजर्ट्स बोलते हैं जैसे इंडिया में थार डेजर्ट है या फिर बहुत कम टेम्परेचर होगा बहुत ठंडे होंगे जिनको हम कोल्ड डेजर्ट्स बोलते हैं जैसे कि लद्दाख है एंड हैज हैजेस वेजिटेशन और यहाँ पर वेजिटेशन पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं तो डेजर्ट बारिश कम वेजिटेशन कम या तो बहुत ज्यादा हॉट या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड नाउ चैप्टर फाइव में यू हैव सीन दैट वॉटर मीन्स लाइफ टू प्लांट्स एनिमल्स एंड पीपल हम जानते हैं कि पानी से ही प्लांट्स को एनिमल्स को लोगों को लाइफ मिलती है इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरी वन टू लिव इन प्लेसिस वेयर देर इज नो वाटर टू ड्रिंक ऐसी जगहों पर रहना जहाँ पर पीने के लिए पानी ना हो जहाँ पर कोई ग्रास ना हो उनके कैटल के लिए पशुओं को चराने के लिए एंड वेयर देर इज नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो और जहाँ पर फसलें ना उग सकती हो तो ऐसी जगहों पर रहना बहुत ही मुश्किल है वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्न टू कोप विद एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर तो अभी हम ऐसे कुछ जगहों के बारे में रीड करेंगे जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है लेकिन लोगों ने वहां पर रहना सीख लिया है इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर एंड सम एज कोल्ड एज आइस कुछ जगह ऐसी है जो बिल्कुल फायर के जितनी हॉट है गर्म है और कुछ बिल्कुल आइस के जितनी ठंडी है दीज आर द डेजर्ट्स एरिया ऑफ द वर्ल्ड ये क्या है ये वर्ल्ड के डेजर्ट्स हैं दीज आर कैरेक्टराइज बाई अभी डेजर्ट के कैरेक्टर्स क्या है यहाँ पर लो रेनफॉल होगी बारिश कम होगी स्कैंटी वेजिटेशन होगा कहीं कहीं पर आपको प्लांट्स मिलेंगे एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स या तो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होगा या फिर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होगा डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट्स टेम्परेचर पर डिपेंड करता है अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो उनको हम हॉट डेजर्ट्स बोलते हैं बहुत ज्यादा ठंड है तो उनको हम कोल्ड डेजर्ट्स कहते हैं द पीपल इनहैबिट दीज वेयर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर लोग फिर भी यहाँ पर रह रहे हैं जहां पर बहुत कम पानी है खेती करने के लिए अभी एक और डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं सहारा एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका लुकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग द लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका वर्ल्ड का मैप देखते हैं एक बार ये है वर्ल्ड का मैप इसमें ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इसके नॉर्थ में ये जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये है सहारा डेजर्ट जो बहुत सारी कंट्रीज को कवर करता है ये देखिए किन कंट्रीज में ये फैला हुआ है वेस्टर्न सहारा मोरिटेनिया मोरक्को का भी कुछ पार्ट है अल्जीरिया ट्यूनिशिया लिबिया नाइजर माली चार्ड इजिप्ट सुडान और थोड़ा सा एरिट्रिया का भी पार्ट इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है इट हैज एन एरिया ऑफ अराउंड एट पॉइंट फाइव फोर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कितने एरिया में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है एट पॉइंट फाइव फोर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में और अगर आपको याद हो इंडिया का एरिया कितना है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी कि इंडिया के एरिया से दोगुने से भी ज्यादा अप्रॉक्स टू पॉइंट बड़ा है सहारा डेजर्ट द सहारा डिजर्ट टचेज इलेवन कंट्रीज इलेवन कंट्रीज को ये टच करता है दीज आर इनको हम देख चुके हैं मैप में अल्जीरिया चार्ट इजिप्ट लिबिया माली मॉरिटेनिया मोरक्को नाइजर सुदान ट्यूनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा वेन डू यू थिंक ऑफ अ डेजर्ट द पिक्चर दैट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इज़ दैट ऑफ सैंड जब भी हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो एक पिक्चर जो हमारे माइंड में आती है कि वहाँ पर रेत ही रेत होगी दूर दूर तक बट बिसाइड द वास्ट स्ट्रेच ऑफ़ सैंड लेकिन वास्ट स्ट्रेच ऑफ़ सैंड के अलावा भी रेत के अलावा भी द डेजर्ट इज कवर्ड विद देर आर ऑल्सो ग्रेबल प्लेन्स वहाँ पर प्लेन एरिया भी है एलिवेटेड प्लेटूज भी है प्लेटू जो हाईलैंड होते हैं लेकिन ऊपर से फ्लैट होते हैं माउंटेन के जैसे नहीं होते विद बेयर रॉकी सरफेस रॉकी सरफेस है इनका द रॉकी सरफेस मे बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस और रॉक्स के पत्थरों के जो सरफेस बने हुए हैं कई जगहों पर 2500 मीटर की हाइट तक भी है ओके okay, मैप भी यहां पर आपको गिवन है इन कंट्रीज को हम पहले ही कर चुके हैं डिस्कस ओके एक फैक्ट आपको गिवन है यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस टू बी अ ग्रीन प्लेन आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी जो सहारा डेजर्ट है एक टाइम पर ये lush green plain हुआ करता था ग्रीनरी थी पर केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट शो दैट देयर वर यूज टू बी रिवर विद क्रोकोडाइल्स एलिफेंट्स लायंस जिराफ्स ऑस्ट्रिच शीप कैटल एंड गोट वर कॉमन एनिमल्स यहाँ केव्स में जो पिक्चर्स बनी मिली है वो इन एनिमल्स की मिली है अभी जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे जो गुफाओं में रहते थे वो ऑब्वियसली उन्हीं एनिमल्स के पिक्चर बनाएंगे जो उनको बाहर दिखाई देते होंगे तो कहने का मतलब है पहले यहां पर रिवर्स भी थी क्योंकि क्रोकोडाइल्स की भी पिक्चर मिली है एलिफेंट्स यहां पर थे लायन जिराफ मतलब जंगल हुआ करता होगा एक टाइम पर बट द चेंज इन क्लाइमेट लेकिन फिर क्लाइमेट में कुछ चेंजेस आए हैज चेंज इट टू अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर यहां पर हाई हो गया और ये एक ड्राई रीजन बन गया अभी यहाँ के क्लाइमेट के बारे में देखते हैं द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्मी होती है जला देने वाली गर्मी और पार्च ड्राई अभी जो गर्मी यहाँ की है वो उतनी इरिटेटिंग नहीं है हमने अमेजोन बेसिन में देखा था यहाँ पर गर्मी भी होती है प्लस एयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है तो पसीना नहीं सूखता ऐसा यहाँ पर नहीं है इट हैज अ शॉर्ट रेनी सीजन रेनी सीजन बहुत ही शॉर्ट होता है बहुत कम टाइम के लिए बारिश होती है स्काई बिल्कुल क्लाउडलेस रहते हैं कोई बादल नहीं रहते क्लियर रहते हैं मॉइस्चर इवापोरेट ज्यादा जल्दी होता है दैन इट एक्मलेट्स थोड़ा भी पानी होगा वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा डेज अनबिलीवेबली हॉट होते हैं बहुत ज्यादा गर्म होते हैं द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे मेरसोर एज हाई एज फिफ्टी डिग्री सेल्सियस दिन में टेम्परेचर पचास डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है हीटिंग ऑफ द सैंड एंड द बेयर रॉक्स यहाँ पर सैंड ही है ज्यादा या फिर रॉक्स हैं पत्थर है पूरा दिन वो गर्म होते रहते हैं विच इन टर्न रेडिएट हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट और ये फिर उस हीट को रेडिएट करेंगे जिसकी वजह से चारों तरफ वो गर्मी फैल जाएगी द नाइट्स फ्रीजिंग कोल्ड रातें यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी भी हो सकती है और टेम्परेचर रात में जीरो डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है एक फैक्ट आपको गिवन है अल अजीजिया जो सारा डेजर्ट में है साउथ ऑफ त्रिपोली लिबिया में ये जगह है रिकॉर्डेड द हाइएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर आज तक का हाइस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922 नाउ फ्लोरा एंड फोना किस तरीके के प्लांट्स यहाँ पर उगते हैं एनिमल्स कौन से मिलते हैं वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस आपने देखा होगा डेट पाम्स खजूर के पेड़ यहाँ पर मिलते हैं एंड अकेशिया पिक्चर देखते हैं कैक्टस डेट पाम्स और ये है अकेशिया ओके इन सम प्लेसेस देर आर ओयसेस ग्रीन आईलैंड विद डेट पॉम्प सराउंडिंग दम कई जगहों पर आपको ओएसिस भी देखने को मिलेंगे ये इस तरीके के होते हैं ओएसिस पानी है बीच में जिसके चारों तरफ डेट पाम उगे हुए हैं अब डेजर्ट जहां पर चारों तरफ रेत ही रेत है ये पानी बीच में कैसे आया तो डेजर्ट में हम जानते हैं हवाएं बहुत तेज चलती है विंड अपने साथ सैंड को उड़ाकर ले जाएगी जब रेत एक जगह से जाएगा तो वहां पर एक डिप्रेशन क्रिएट होगा और कई बार ये डिप्रेशन इतना ज्यादा गहरा होता है कि नीचे का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाता है पानी जब सरफेस पे आएगा प्लांट उगेंगे चारों तरफ लोग आकर यहाँ पर रहने लगेंगे तो ये एक ग्रीन आइलैंड के जैसा हमें दिखाई देता है सो कैमल्स हाइनास और बहुत सारी वेराइटी के स्नेक्स और लिजर्ड्स प्रॉमिनेंट एनिमल स्पीशीज हैं जो यहां पर रहती है ये एक पिक्चर आपको दिखाई गई है ओयसेस इन सहारा डेजर्ट अभी एक और फैक्ट गिवन है साइंटिस्ट है साइंटिस्ट को फिश के स्केलेटन फिश के कंकाल भी मिले हैं जिससे पता लगता है कि एक टाइम पर यहाँ पर इतना पानी होगा कि उसमें फिशेज भी रहती होगी ना वॉट कुड है क्या हुआ होगा कितने मेजर लेवल पर क्लाइमेट चेंज हुआ होगा कि जितना भी वो पानी था गर्मी इतनी ज्यादा हो गई कि वो पूरा का पूरा पानी ही इवापोरेट हो गया इसके बारे में हायर क्लासेस में आप रीड करेंगे चलिए अभी यहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं

पॉपुलेशन सारा डेजर्ट में कहीं कहीं ऑयसेस मिल जाते हैं उसके बाद नाइल की जो वैली है इजिप्ट में यहाँ पर सेटल होकर लोग रहते हैं सेटल पॉपुलेशन हमें देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर वाटर अवेलेबल है उगाई जाती है राइस वीट बार्ले बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन इजिप्शियन कॉटन फेमस है वर्ल्ड वाइड जो की ग्रो की जाती है इजिप्ट में द डिस्कवरी ऑफ ऑइल अभी जब से यहाँ पर ऑयल डिस्कवर हुआ है तेल की खोज हुई है अब प्रोडक्ट ऑयल जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है थ्रू आउट द वर्ल्ड यह मिला है अल्जीरिया में लीबिया में इजिप्ट में इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट तब से सहारा डेजर्ट में कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो गया है पूरा ही दूसरे मिनरल्स भी यहाँ पर मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट है फाउंड इन दिस एरिया कौन से आयरन फॉस्फोरस मैंगनीज एंड यूरेनियम द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज अंडर गोइंग चेंज बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं जो कल्चर था सहारा का ग्लीमिंग ग्लास केसेस की विंडोज के जो बिल्डिंग्स हैं टावर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे मॉस्क बहुत ज्यादा मिलती है सुपर हाईवेज है टाइम पर जो कैमल पाथ हुआ करते थे उनकी जगह अभी हाईवेज uh, बन गए हैं ट्रक्स ने रिप्लेस कर दिया कैमल्स को जो सॉल्ट ट्रेड के लिए पहले यूज किए जाते थे त्वरिक्स अभी यहाँ पर आपको एज गाइड देखने को मिल जाएंगे फॉरन जो टूरिस्ट आते हैं उनको वो गाइड करते हैं मोर एंड मोर नोमडिक हर्ड आर टेकिंग टू सिटी लाइफ और जो हर्ड्समैन थे अभी वो सिटी लाइफ जीने लगे हैं जॉब्स उन्होंने वहां पर ढूंढ लिए ऑयल और गैस ऑपरेशन में ओके फैक्ट्स गिवन है डिप्रेशन आर व्हेन द विंड ब्लोस अवे द सैंड जब विंड अपने साथ सैंड को रेत को उड़ाकर ले जाती है तो वहां पर एक गड्ढा जैसा बन जाता है इस डिप्रेशन में अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पर आ जाता है और वहां पर बनता है ओएसिस ये एरिया फर्टाइल होते हैं लोग सेटल डाउन हो जाते हैं इनके चारों तरफ डेट पाम्स उगाते हैं दूसरी क्रॉप्स उगाते हैं और कई बार ये जो ओएसिस हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज भी होते हैं टैफी लालेट ओएसिस इन मोरक्को इज ओके मोरक्को का जो टैफी लालेट ओएसिस है उसका एरिया लगभग तेरह हजार किलोमीटर का है नेक्स्ट सो so, ये हमने देखा हॉट डेजर्ट के बारे में सहारा अभी हम रीड करेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में लद्दाख पहले वर्ड का ओरिजिन देखते हैं लद्दाख इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स दो वर्ड से बना है ला जिसका मतलब होता है माउंटेन पास और दाक मतलब कंट्री तो कंट्री ऑफ माउंटेन पासिस को हम बोलते हैं लद्दाख लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ग्रेट हिमालयाज में ये है और ये कोल्ड डेजर्ट है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू और कश्मीर के ईस्टर्न साइड में इसको मैप में भी देख लेते हैं क्योंकि अभी रिसेंट अमेंडमेंट में ये एक नई यूनियन टेरिटरी बनी है फिगर भी दी वैसे ये ये देखिए है लद्दाख जो अभी हमारी एक यूनियन टेरिटरी है इसका ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ का अक्साई है जो 1962 के वॉर में चाइना ने ऑक्युपाई किया था और ये है पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ओके जम्मू एंड कश्मीर के ये ईस्टर्न साइड में है काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ नॉर्थ साइड में काराकोरम रेंज है जास्कर माउंटेन है साउथ में जिसने इन दोनों ने इसको एनक्लोज किया हुआ है बीच में ये है कुछ रिवर्स फ्लो करती है लद्दाख से इंडस उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है बहुत सारे रिवर वैलीज और गॉर्जेस यहाँ पर बनते हैं कुछ ग्लेशियर्स भी हैं जो लद्दाख में मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल गांगरी ग्लेशियर ऑल्टीट्यूड इन लद्दाख वैरीज फ्रॉम अबाउट थ्री थाउजेंड मीटर इन कारगिल कारगिल में कितनी हाइट पर है ये लगभग थ्री थाउजेंड से लेकर एट थाउजेंड से भी ज्यादा पर देखने को मिलते हैं काराकोरम में ड्यू टू इट्स हाई ऑल्टीट्यूड क्योंकि बहुत है, the climate is extremely cold and dry. Climate बहुत हाई ऑल्टीट्यूड है द क्लाइमेट क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई ज्यादा ठंडा है ड्राई है द एयर एट दिस ऑल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली एयर थिन का मतलब यह है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं एयर में वो कम हो जाते हैं एयर कम डेंसर होती है यहाँ पर और हमने देखा था कि एनवायरमेंट में अगर हमारे चारों तरफ एटमोसफियर ना हो एयर ना हो तो हम डायरेक्ट फील करेंगे सनलाइट को वैसा ही वहां पर होता है क्योंकि एयर बहुत थिन है तो सीधा आप फील करेंगे सन को बहुत इंटेंसली डेज डे का जो टेम्परेचर है समर्स में थोड़ा सा जीरो से ऊपर होता है और रात में टेम्परेचर माइनस थर्टी डिग्री तक चला जाता है फ्रीजिंग कोल्ड होता है विंटर्स में तो और टेम्परेचर हमेशा ही माइनस फोर्टी डिग्री से नीचे रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम एक और फैक्ट पहले देख लेते हैं द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख लद्दाख में एक जगह है द्रास जो कि सबसे ज्यादा ठंडी जगह है जहां पर की जो कि इनहेबिटेड प्लेस है लोग रहते हैं एज इट लाइज इन द रेन शेडोज ऑफ द हिमालया देर इज लिटिल रेनफॉल एज लो एज टेन सेंटीमीटर एवरी ईयर बहुत कम यहाँ पर बारिश होती है लगभग दस सेंटीमीटर हर साल द एरिया एक्सपीरियंस इज फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट ये बहुत ही फ्रीजिंग विंड्स यहाँ पर चलती है और जब धूप निकलेगी तो वो बहुत ज्यादा गर्म फील होगी बर्निंग हॉट यू विल बी टू नो आपको जानकर हैरानी होगी इफ यू सिट इन इन द द सन विद योर फीट शेड अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है लद्दाख के बारे में कि अगर आप मान लीजिए धूप में बैठे हुए हैं और आपके पैर छाया में हैं यू मे सफर फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट एट द सेम टाइम एक ही टाइम पर आपको सनस्ट्रोक भी हो सकता है आप धूप में बैठे हैं तो इतनी तेज गर्मी आपको फील होगी फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है जिसमें कि टिश्यूज जम जाते हैं अंदर के क्योंकि पैर आपके छाया में है एक ही टाइम पर डू यू नो लद्दाख लद्दाख इज नोन एज के नाम से भी को हम जानते हैं जिसका मतलब है स्नो लैंड ओके फ्लोरा फ्लोराफोना के बारे में देखते हैं कैसे प्लांट्स यहाँ पर मिलते हैं कौन से एनिमल्स रहते हैं ड्यू टू हाई एरिडिटी बहुत ज्यादा एरिड होने की वजह से ड्राई uh, होने की वजह से क्योंकि बारिश होती नहीं है द वेजिटेशन इज स्पार्ट वेजिटेशन यहां पर बहुत कम देखने को मिलता है देर आर स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रासेस कहीं कहीं पर आपको थोड़े थोड़े पैचेज मिल जाएंगे घास के या फिर श्रब्स के एनिमल्स जिनको ग्रेस करते हैं ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज पॉपुलर और विलोज यहाँ पर मिलते हैं पिक्चर देखते हैं दोनों की ये देखिए ये है पॉपुलर ट्री और ये है विलो ड्यूरिंग द समर्स गर्मियों में फ्रूट ट्रीज जैसे कि एप्पल्स एप्रिकॉर्ड्स वॉलनट्स यहाँ पर ब्लूम करते हैं कुछ स्पीशीज हैं बर्ड्स की जो कि देखी जा सकती है लद्दाख में जैसे रॉबिन्स रेड स्टार्स टिबेटन स्नोकॉक रेवन हु ये कॉमन बर्ड्स हैं सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स इनमें से कुछ बर्ड्स दूसरी जगहों से आती है एनिमल्स जो लद्दाख में आपको देखने को मिलेंगे वाइल्ड गोट्स वाइल्ड शीप याक स्पेशल तरह के डॉग्स एनिमल्स जिनको लोग रेअर करते हैं पालते हैं वो इन्हें मिल्क देते हैं मीट देते हैं हाइड्स स्किन मिलती है उनसे याक के मिल्क को यूज किया जाता है चीज और बटर बनाने के लिए शीप और गोट्स के हेयर को यूज करते हैं बुलन्स बनाने के लिए उनसे इन्हें ऊन उन मिलती है एक फैक्ट गिवन है द चिरू और द टिबेटन एंटीलोप टिबेटन एंटीलोप जिसको चिरू बोलते हैं इसको एक एंडेंजर्ड स्पीशीज घोषित कर दिया गया है इसको हंट किया जाता है बुल के लिए जिसको बोलते हैं शातुश शातूष बहुत ही ज्यादा लाइट वेट और एक्सट्रीमली वार्म बुल है अभी जब हम शिप और गोट के बाल उतारते हैं बुल बनाने के लिए तो बाल फिर से आ जाते हैं लेकिन जब हम चिरू के बाल को रिमूव करते हैं बॉडी से बुल के लिए तो चिरू की डेथ हो जाती है अभी इस तो लोग बुल के लिए इसको हंट करते थे अभी इसकी हंटिंग पर बैन है क्योंकि इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज माना गया है ओके नाउ अबाउट पीपल पहले फैक्ट देखते हैं द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम वुड ऑफ ट्रीज ओके ड्यू यू फाइंड एनी रिजेंबलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया तिब्बत में और सेंट्रल एशिया में जो लोग रहते हैं उनमें और लद्दाख के लोगों में क्या आपको कोई रिजेंबलेंस देखने को मिलती है क्या वो एक जैसे दिखते हैं द पीपल हेयर आर इधर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट लद्दाख में दो रिलीजन फेमस है या तो लोग मुस्लिम है इस्लाम को मानते हैं या फिर बुद्धिस्ट है इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनिस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद दियर ट्रेडिशनल गोमपास ट्रडिशनली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में गोमपाज होते थे वो अभी भी लद्दाख की लैंडस्केप पे आपको दे, आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ जो फेमस मोनेस्ट्रीज हैं हेमीज शे एंड लामा फिगर नाइन पॉइंट फाइव अच्छा ये आपको दिखाई गई है थिक्शे थिक्स मोनेस्ट्री इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टीवेटिंग बार्ले समर सीजन में क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक होता है तो लोग बिजी रहते हैं कल्टिवेट करते हैं बार्ले को को गोपीज बीन्स टर्ने क्लाइमेट विंटर मंथ में क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श होता है माइनस फोर्टी डिग्री तक टेम्परेचर रहता है तो लोग घर पर ही रहते हैं और इंगेज रहते हैं फेस्टिविटीज़ और सेरेमनीज़ में वुमेन यहाँ की बहुत हार्ड वर्किंग होती है वो सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि फील्ड्स पर भी काम करती है और छोटे छोटे बिजनेस और शॉप्स को भी मैनेज करती है ले कैपिटल है लद्दाख की जो कि वेल कनेक्टेड है दोनों ही रोड और एयरवेज से नेशनल हाईवे वे वन ए कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को जोजिला पास से क्या आप कुछ और पासिस के नाम बता सकते हैं हिमालयाज में इसको देखेंगे अभी टूरिज्म मेजर मेजर एक्टिविटी है कुछ टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं इंडिया से इंडिया के अंदर से भी और अब्रोड से भी विजिट टू द गोमपाज इन गोमपाज को विजिट करने के लिए ट्रैकिंग के लिए मीडोज को देखने के लिए ग्लेशियर्स को देखने के लिए यहाँ के जो सेरेमनीज़ हैं फेस्टिविटीज़ हैं फेस्टिवल्स हैं उनको विटनेस करने के लिए लोग बाहर से आते हैं यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं लाइफ ऑफ पीपल इज़ अंडर गोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन की वजह से यहाँ के लोगों की लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए हैं लेकिन लद्दाख के लोग हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हारमोनी विद नेचर यहाँ के लोगों ने सीख लिया है कि किस तरीके से बैलेंस तरीके से नेचर के साथ हारमोनाइज करके उनको रहना है क्योंकि स्क्योर्सिटी है रिसोर्सेज की पानी यहाँ पर नहीं है फ्यूल नहीं है दे आर यूज विद रेवरेंस तो बहुत ही ज्यादा जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ही वो उनको यूज करते हैं बहुत केयरफुली यूज करते हैं किसी भी चीज को डिस्कार्ड या वेस्ट नहीं किया जाता फैक्ट गिवन है मनाली ले हाईवे क्रॉसेस फोर पास मनाली ले का हाईवे चार पासिस को क्रॉस करता है रोहतांगला बारा लाचाला लुंगा लाचाला तंगलंगला हाईवे ये ओपन होता है बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर जब स्नो क्लियर हो जाती है फ्रॉम द रोड ये बारा लाचाला पास की आपको एक पिक्चर भी गिवन है ओके okay, सो so इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग